हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस प्रिया टीवी। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक काफी यूनिक वीडियो है और यूनिक होने के साथ साथ एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। दोस्तों, पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुएशन हमारी बॉडी में हर मंथ होता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपनी हाइजीन का किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, साथ ही जब हम इतना ब्लीड कर लेते हैं तो उसके बाद हमें ऐसी क्या डाइट लेनी चाहिए जिसकी वजह से जो जितनी भी ब्लीडिंग हुई है उसकी भरपाई हो पाए हमारी बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी में कोई वीकनेस ना रहे। और क्योंकि अगर ये वीकनेस हमारी बॉडी में रहती है तो इन फ्यूचर ये हमें कई प्रॉब्लम्स दे सकती है, और इसी रीजन से आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो से। मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स एक नॉर्मल नेचुरल बॉडी प्रोसेस है और ये गर्ल्स में प्यूबर्टी की एक मेजर स्टेज होती है, जिसमें कि जो यूट्रस होता है उससे अननीडेड और अनवांटेड जो भी ब्लड और टिश्यूज होती है वो वजाइना के थ्रू बाहर निकलती है। एंड इन जनरल इट्स अ बॉडीज वे ऑफ गेटिंग रेडी टू मेक अ बेबी, और ये शो करता है कि हमारी बॉडी हेल्दी है और प्रॉपरली ग्रो कर रही है। और दोस्तों, ये ब्लीडिंग हमारी बॉडी में 3 से 7 दिन तक के लिए रहती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी नेक्स्ट डेट का पता लगा सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, जो कि होती है 4 वीक्स यानी कि 28 डेज की, और ये काउंट होती है हमारे पीरियड्स के फर्स्ट डे से। जैसे कि अगर आपको फर्स्ट वेब को पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो आपकी जो नेक्स्ट डेट होगी वो होगी 28 डेज बाद, यानी कि 1 मार्च को। दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर हमारे बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस होता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है उसकी जो ऑर्गेनिक और साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजी है उसमें ऑल्ट्रेशंस आती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मूड है उसमें भी चेंजेस आते हैं। और इसके अलावा जो पीरियड्स के सिम्टम्स हैं वो हैं डिप्रेशन, हेडेक, मस्कुलर क्रैम्प्स, इंसोमनिया, एब्डोमिनल स्वेलिंग, नर्वसनेस, पेन इन जॉइंट्स, एक्ने एंड वाटर रिटेंशन। दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है क्रैम्प्स की, और ये तब होती है जब हमारी यूट्रस की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेल करती हैं, ताकि हमारा जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है वो आसानी से बाहर आ सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इस क्रैम्प्स वाली प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में अगर आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर दिन में 2 से 3 बारी पीते हैं तो इससे आपकी जो यूट्रस की इन्फ्लेमेशन है वो भी कम होगी और क्रैम्प्स वाला पेन भी रिड्यूस होगा। दोस्तों, अगर आप इन दिनों में अपने पेट की गर्म पानी से सिकाई करोगे तो इससे भी आपको क्रैम्प्स के पेन से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करके ब्लड के फ्लो को अलाउ करता है, ताकि हमारी मसल्स रिलैक्स हो पाए। हमेशा याद रहे कि आप इस टाइम पर अपने खाने में नमक का कम से कम इस्तेमाल करें, और साथ ही कॉफी, एल्कोहल और जो सिगरेट होती है उसको अवॉइड करें, और अपने खाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की क्वांटिटी को बढ़ाएं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन दिनों में हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सेस एसिड का प्रोडक्शन होता है, और जिस वजह से हमें मूड स्विंग्स वाली प्रॉब्लम हो सकती है और फटीग और वीकनेस हमारी बॉडी में आ सकती है। दोस्तों, इस टाइम पर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कमजोरी आने लगती है, तो इसीलिए आप कोई भी मील स्किप ना करें और तीनों मील टाइम पर लें। दोस्तों, इन दिनों में आप हमेशा सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें और कपड़े को अवॉइड करें, और अपने फ्लो के हिसाब से ही अपना पैड चुनें, यानी कि स्टार्टिंग के डेज में जो फ्लो ज्यादा होता है तो आप लॉन्गर पैड्स का इस्तेमाल करें, और जब फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है तो आप रेगुलर पैड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि कपड़ा जो होता है वो ब्लड को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो इस वजह से हमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ ही इसकी वजह से रैशेस भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इन दिनों में आपको फ्रेग्रेंस वाले पैड इस्तेमाल करने चाहिए तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एलर्जी और इरिटेशन को कॉज करते हैं, क्योंकि रेगुलर फ्लो की जो स्मेल होती है वो हमारी बॉडी से डिफरेंट नहीं होती है, तो इसीलिए आप अपने पैड को टाइम टू टाइम चेंज करें, और फ्रेग्रेंस वाले जो पैड हैं इनके चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। दोस्तों, हर 5 से 6 घंटे में आपको अपने पैड को चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ब्लड में बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से उस टाइम पर आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आप एक ही पैड को पूरा दिन यूज करते हैं तो ऐसा करने से आपकी बॉडी में कैंसर के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन से पहले क्लियर वेजाइनल डिस्चार्ज यानी कि सफेद पानी का आना एक आम बात है, और इसके लिए आप पैंटी लाइनर्स का इस्तेमाल करें, और साथ ही अगर आपको इन दिनों में इचिंग वाली प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए आप गुनगुने पानी में नमक डालकर अच्छी तरीके से मिला लें, और अब इस पानी से अपने वेजाइनल को वॉश करें, और अगर आप ऐसा दिन में 2 बारी करते हैं तो आपकी इचिंग वाली प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको पीरियड्स के बाद रैशेस वाली प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए आप टाइट पैंटीज को अवॉइड करें, और हमेशा अपने अफेक्टेड एरिया पर सरसों का तेल लगाकर सोएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि 2 दिन के अंदर ही आपके रैशेस बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस टाइम पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस टाइम पर आपको जिन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो है कॉफी, एक्सेसिव एल्कोहल, एक्सेस सॉल्ट, शुगर्स एंड स्वीट्स, फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, कैंड प्रोडक्ट्स, सिट्रस जूसेस, चाइनीज फूड, फिजी वाटर, रेड मीट, फ्राइड फूड और सिगरेट्स।
दोस्तों इस टाइम पर हमारा मेन फोकस होता है अपनी बॉडी में ब्लड को दोबारा से बनाने का, ताकि जो भी ब्लड लॉस हुआ है उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी हो पाए। तो इसीलिए हमको अपनी डाइट में लेना चाहिए प्रोटीन रिच फूड, नॉन सिट्रस फूड्स, कैरेट जूस, पोमग्रेनेट, रॉ सैलेड, स्पिनच सूप, पोटैटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, फिश, लाइट मील्स और सूप। और इस टाइम पर अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। तो दोस्तों यहाँ खत्म होता है हमारा आज का स्पेशल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल बटन है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।